हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने, बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ सबने स्नाइपर गन तो पबजी में यूज की होंगी, और बाज़ूकात ऐसा भी होता है कि आप किसी को शूट करते हो और वो एक शॉट में नहीं मरा तो बहुत गुस्सा आता है उस सिचुएशन में। तो भाई मैं आपके लिए आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप स्नाइपर गन्स को एज अ ऑटो गन यूज कर पाओगे, वो कौन कौन सी गन स्किन होने वाली है और कैसे यूज कर पाएंगे, ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये फुल ऑटो मेजल मिलेगा, आपने जहाँ से भी शॉप वगैरह से या जिस चीज़ से भी मिलेगा आपने वो ले लेना है। उसके बाद आइए देखो, हमने सबसे पहले मैंने उठाई है मिनी 14, और देखो अभी मैंने सिंगल शॉट किया, जैसे ही मैं इसको फिट करता हूँ मिनी 14 के ऊपर तो मेरी गन एज अ ऑटो गन चलेगी। सो लेट्स सी, मैं आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली ये कैसे यूज होगा। ये देखें गाइस, अभी मैं दोबारा से ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, वो फुल ऑटो चली, जो ऑटो वाला मज़ा ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदा कोई भी एआर या फिर ऑटो गन यूज़ कर पा रहा है। यहाँ पे SKS निकल के आती है, उसको भी आपको यही मेजर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको भी एज आ ऑटो गन फुल मोड में यूज़ कर पाएंगे। फिर SLR आ जाएगी, फिर QBU आ जाएगी। भाई जितनी भी ये स्नाइपर गन है फेमस वाली, वो सब आपको ऑटो यूज़ कर पाओगे। तो भाई अब तो एक लाइक बनता है, आप वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़।